नंबर ये मुगल सराय पुलिस द्वारा 5 बांग्लादेशी और एक लोकल मुगल सराय थाना क्षेत्र के निवासी को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय यह है कि बांग्लादेशी लगभग 15 दिन पहले एक व्यक्ति के साथ आए थे जिसका नाम आलम है, तो ठेकेदारी का काम करता है। इससे 10,000 रुपये उसने इन सभी से लिया था। ये बांग्लादेश में मजदूरी का काम करते हैं, वहाँ पे इनको 150-200 टका मिलता था। इन्हें लालच दिलाई गई कि इंडिया चलोगे तो वहाँ काम करने पे अच्छी मजदूरी मिलेगी, 500 से 800 रुपये तक मिलेंगे। उस आधार पे इन्होंने उसको पैसे दिए और चले आए। यहाँ आने के बाद उसने किसी कथित वकील की मदद से फर्जी सर्टिफिकेट स्कैन करके इनके नाम से बनवाए और मतदाता पहचान पत्र फर्जी स्कैन बनवाए और इनसे यहाँ पे वो गड्ढे खुदवाने का काम कर रहा था। किस तरह से ये भारत में दाखिल हुए थे? इनका ये कहना है कि वहाँ पे बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा तलाश नहीं होती है, तलाशियात की व्यवस्था नहीं है। जहाँ से आते जाते हैं वहाँ नाव के माध्यम से ये इस पार आ जाते हैं और फिर आकर के कलकत्ता घूम करके प्राय आते जाते रहे। मंशा क्या थी सर इनकी यहाँ आने के पीछे? सिर्फ मजदूरी करना या और भी कुछ मंशा सामने आई है? फिलहाल जो पूछताछ से जानकारी मिली है उसके आधार पर यही लगता है कि मजदूरी के इरादे से आए थे। और पिछली बार भी गत वर्ष जुलाई अगस्त में पकड़े गए थे बांग्लादेशी, तो वो आए थे इस उद्देश्य से कि यहाँ से पासपोर्ट बनवा करके वो मिडिल ईस्ट के देशों में जाके कमाई कर सकें। और उसी के तहत इनकी भी दूरगामी योजना पासपोर्ट बनवा करके विदेश जाने की थी, तात्कालिक रूप से यहाँ पे लोकल मजदूरी करके। एक अधिवक्ता भी सामने आया इस मामले में जो इनको दस्तावेज मुहैया करा रहा था, और हम उसकी तलाश कर रहे हैं। वो कथित अधिवक्ता है जिसको वकील साहब करके संबोधित करते थे लोग, और ये सब फर्जी जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं उनको तैयार करने में उसकी भूमिका है और हम उसकी तलाश कर रहे हैं। इसके पहले भी इस तरह का मामला सामने आया था, फिर आया है, तो क्या और भी संभावनाएं हैं? क्या या आशंका है कि इस तरह के लोग और भी यहाँ हों या जांच करने का सकता है? क्या कार्रवाई करेंगे इसका? नहीं, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और हम एक अभियान चला रहे हैं जिसमें पिछली बार भी हमने चलाया था, वहाँ पे जितने लोग मकान में किराए पे रहते हैं और दुलहीपुर और उसके आसपास, उसमें काफ़ी संख्या बंगालियों की है, तो उन्हीं की आड़ में बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, उसको लेकर के हम अभियान चला रहे हैं।